जिगर मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बाल हैंगिंग बनाना बताऊंगी। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी होता है। एकदम छोटी छोटी चीज़ आप सब डाल दीजिए इसमें। ये 1, 2, 3, 4 ये 4 का भी बनता है, 5 का भी बनता है, 3 का भी बनता है। मैं आप लोगों को आज 3 का बना बताऊँगी। और ये फोम लगा के भी बनता है, ये देखिए ये प्लास्टिक लगा के भी बनता है। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ इधर, कि कैसे ये कटिंग होगी इसकी और कैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसको सब तरफ से बराबर कर लीजिए। इसको सूखे नीचे दबा दीजिए, कपड़ा खिसके नहीं है। ये देखिए चारों तरफ से बराबर कर दीजिए। ये देखिए ये 3 का है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें लेस लगाइए या फिर चैन लगाइए, आप इसमें लगाइए, मशीन चलाइए। पट्टियाँ बराबर बराबर काट लीजिए इसकी। ये पट्टी आप इसके नीचे लगा दीजिए, ऐसे बराबर पट्टी लग जाएगी। ऊपर से पट्टी और लगा दीजिए। ये पट्टी कट्टी रखी हुई है, आप इनको जोड़ के बराबर ऐसे करिए। पहले से बराबर करके जब पट्टी लगाइए तो सफाई से बैठेगी। ज़्यादा पट्टी खींचेगा नहीं, नहीं तो झूल आ जाएगा। इसमें पट्टी खींच जाएगी। कैंची से बराबर काट लीजिए, धागे पकड़िए, निकलना है। ऊपर से मशीन चलाइए बराबर। कई चीज़ काट के निकालिए, पट्टी को ऐसे बराबर करके जोड़ दीजिए। ये पट्टी यहाँ से देखिए बराबर एकदम जोड़िए, ऊपर नीचे ना हो। बराबर इसके ऊपर ये कपड़ा नीचे से भी बराबर कीजिए।
1, 2, 3 पाइपिंग लगा के फिर आप हैंगर के बराबर का इसको मोड़ दीजिए। ये आपका बाल हैंगर तैयार। ये पट्टियाँ इसके बराबर की काटिए जो कि पट्टी छोटी बड़ी ना आ जाए। ये ऐसे करके छोटी बड़ी हो तो बराबर कर लीजिए आप उसकी पट्टी। एक में पट्टी है, 2 इंच की पट्टी हुई है, 2 इंच की पट्टी है, बराबर रहती है इसका। ये देखिए थोड़ी सी जो आगे ऊपर की जो आप पट्टी लगाएंगे उसमें आ जाएगी। इसको लेके ये देखिए इसको एकदम बराबर करिए। सीधे सीधे लगते हैं इसको ऐसे मोड़ के इसको बराबर काट दीजिए। इसको सीधे करते हैं बराबर बढ़ जाए। ये नीचे पट्टी थोड़ी उल्टी लगाई जाती है, आगे वाली पट्टी को आप सीधे लगाइए। थोड़ा सा तिकोना बनाइए। ये देखिए कटिंग इसकी हो गई है।
दूसरी तरफ से आगे से थोड़ा मोड़ दीजिए, तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़िए। आगे उस कपड़ा अंदर दे दीजिए। ज़्यादा पट्टी को टाइट नहीं करना, नहीं तो सिलवट आ जाएगी। जो कपड़ा है इसको ऐसे ले लीजिए आप, ये देखिए। इसको आगे मोड़ से आधे इंच की दूरी पे आगे से कपड़ा काटिए, क्योंकि कपड़ा टाइट होता तो झूला जाता। इसको उल्टी तरफ से लगाइए, ऐसे ऊपर से लगा दीजिए। ऊपर दूसरे ऊपर से एक पाइपिंग छोटी आएगी इसमें, ये देखिए। ऐसे करके इसको यहाँ से मोड़ दीजिए सीधा।
से मोड़ के चली गई हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर मशीन करके फिर ये किनारे खुले लेने अभी आप इसे इसको जैसे घर की पाइपिंग आपने लगाई थी वैसे ही पाइपिंग आप इसको लगाइए। जैसे उस साइड की आपने लगाई वैसे ही आप इस साइड की पाइपिंग एक सिलाई मारें जिसमें ये चैन लगाने की आपको जरूरत नहीं है और ये कपड़ा कहीं फिसलेगा नहीं। दोनों हाथ से पकड़ें थोड़ा मोटा धागा कर लीजिए। चैन लगाना चाहें तो अभी पिछले बार में आपको बताऊंगी। अब इसमें हैंगर लगा दीजिए आप जैसे मिले उसके धागे को काट
इसमें से ये देखिए इसमें सिलाई कर दीजिए और बाल लेंगे। ये देखिए आपका तैयार। आप अगर चाहें तो इसमें चैन भी लगा सकते हैं। मैं आपको फोम का बताऊंगी तो उसमें मैं चैन लगानी बताऊंगी कि चैन किस तरह लगाते हैं। कपड़ा पकड़े लिए हैंगर एक हाथ से पकड़े लिए ये हैंगर के ऊपर सुई ना जाए। आप उसको कहीं में टांग दीजिए छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं उसमें देखिए। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और आप लोग मुझे लिख के बताइए कि क्या चीज़ आप लोगों को पसंद आया मेरा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे। धन्यवाद।